सच में मोटे हुए बोलू। कोशिश बहुत किया हमने कि हमारा पेट ना दिखे, किंतु और परंतु कोशिश ही तो नहीं। अरे कोशिश किया ना बाबा, कोशिश करने की ट्राई करी, कोशिश कोशिश किया मैंने कि मैं सुबह उठूं। मैंने फुल ऑन ट्राई किया कि मैं सुबह उठूं, पर अलार्म बजते ही पता नहीं मेरे अंग अंग में क्या हो जाता है और मेरे से उठा ही नहीं जाता। क्या है दादी? मम्मी थेरेपी कराने गई, संडे का दिन है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वार्म वेलकम टू द चैनल। आप लोग देख रहे हैं देसी ब्रूड। क्या बात है। पुराने न्यूज एंकर बोलते थे आप देख रहे हैं आज तक आंखों, अरे आंखों देखी मैं ऐसे नहीं बोलते थे। अरे आई नो आपको देखी भाई, आई नो आपको देखी, बट आपको देखी मैं ऐसे नहीं बोलते थे। वो लेडी स्ट्रेट बैठती थी, आज दुनिया में यहाँ पर बम फट गए। वहाँ पे मम्मी रे घर पे टीवी था और किसी के घर पे था नहीं, तो सब लोग मतलब वहाँ पे चप्पल निकाल निकाल के रामायण देखने के और महाभारत देखने के लिए आते थे। मतलब घर के अंदर घुसते थे तो चप्पल निकालते थे क्योंकि रामायण देखने के लिए जा रहे हैं। तू भी बहुत स्पिरिचुअल है गोलू ने, इतनी सारी मन्नतें मांगी है, 16 सोमवार के व्रत किए हैं, तभी तो जाके इसको ब्याह मिला ना बाबा। कोशिशें तुमने कोशिशें की तभी तो तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। अरे झूठ, इधर रील भी बना सकते हैं क्या अपन? इधर रील बनाएंगे। प्लान था वो ये था कि आज हमारी गाड़ी जो है हमने न्यू बुक की थी वो आज मिल जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगा था कि चलो ठीक आज नहीं लेंगे तो फिर हम परसों लेंगे, परसों ईद की छुट्टी है, परशुराम जयंती है, मंगलवार का दिन है, अच्छा दिन है, तो हम परसों गाड़ी को लेंगे। बट अभी जो है उसका फ़ोन आया बंदे का कि आपकी गाड़ी जो है वो आ चुकी है और वो आई थिंक 3-4 घंटे में रेडी हो जाएगी, तो शाम तक पॉसिबली जो है आप आकर गाड़ी ले सकते हैं। आपका इंतजार था। क्या होगा लोगों सोचेंगे कि इतना गंदा तो गाना गाता फिर भी गाया जा रहा है, मतलब शर्म तो आनी थी। नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही सर। अभी अपने को एसी की जाली निकालने का है, छूटा नहीं गया। अब गोलू साफ करेगी इन जालियों को और अपन जाएंगे ऊपर, जो मेन फैन है उसका फैन में पानी मारने के लिए। जब एसी वाले भैया ने बोला था अपने को यार लाइट का चली जाती है, लाइट क्यों बंद कर रहे तुमने? जो एसी वाले भैया अपने जो सर्विस करके गए थे उन्होंने बोला था कि हर 10 या 15 दिन में गर्मी जब ज़्यादा हो जाएगी तो 10-15 दिन में जो है आपको पानी मारना पड़ेगा फैन पे। यही करने का है, इस पे दबा के पानी मारने का है। आई थिंक वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कितना ज़बरदस्त रेत निकल रहा है, तो यार एसी तो अपने आप ही ख़राब हो जाएगा। ऊपर से ही मार दे रहे, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। कूल कर दो, कूल भाई साहब। मतलब धूप नहीं आ रही लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़बरदस्त है, हालत आप लोग को दिख ही रही है मेरी, इतना मेहनती काम करके आया है लड़का। अरे लड़की चमका डाला तूने, तेरा ही कहना था कि आज ही कर ले। तो यार अभी मैंने बात की अपने गाड़ी वाले से तो वो कह रहा है कि पॉसिबली 1-1.5 घंटे में जो है गाड़ी रेडी हो जाएगी, तो वो लोग कह रही नहीं आज ही ले लेते हैं यार। चल ठीक है आज ही ले लेते, नहीं तो मेरा प्लान था कि वो परसों ले जाएंगे, मंगलवार का दिन अच्छा है। गोल इज गेटिंग रेडी बिकॉज इट्स टाइम टू गेट आवर न्यू कार फाइनली। पापा ऑलरेडी गाड़ी में है, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने मम्मी को, मैं सब लोग चलते हैं यार। में गाड़ी रेडी है, मिल जाएगी 5 मिनट में गाड़ी। पापा कहाँ गए? महंगा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज आवर न्यू कार। अरे अरे तुम चलो ना, पापा कहाँ जा रहे हैं? न्यू कार की फाइनली इन आवर न्यू कार।
अभी पहले पेट्रोल पंप जाएंगे, फिर सबसे पहले तो जाना ही पेट्रोल पंप पड़ेगा। हाँ, फिर मिठाई लेके आनू को सरप्राइज देंगे। वो सुबह से वो वेट कर रही थी, फिर ये हुआ कि शायद आज डिलीवरी नहीं मिलेगी, फिर उसको बोल दिया नहीं, तो गुस्सा हो गई वो। अब वो उतने ही खुश हो जाएगी। ये हमारी गाड़ी का फर्स्ट सॉन्ग है। जय हो माता रानी की जय हो। हियर कम्स द मिठाई। तो रखने का भी तो पूरा भीड़ इतना लगा हुआ है ना। पूरा भीड़ लगा हुआ है, भीड़ भीड़ भीड़, जाम वाला एरिया हो गया, जाम वाला एरिया। यस, अब चलते हैं आनू मैडम के पास। ये मेरे पिछवाड़े के नीचे क्या आया रे बाबा। ओ, ये अपना मोनोपोड है, इसको उठाओ जरा, ये नहीं तो अभी ये नया हो जाता। सो लेट्स गो टू आनू। अरे जे बात, ये बैठ गया अनु तो नई गाड़ी पे भाई। अरे ये तो ये मेरे को तो यहाँ डाल दो। ये भाई चप्पल गीला हो गया आलू का चप्पल। सारे खिलौने इधर रख दिए इसने बैठ के कोने में। बाल क्या होता है? ये पट्टे होते हैं आलू के, पट्टे। कहाँ से सीखता है तू? ये मुंडी तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, कहाँ से सीखता है? किस? अच्छा, घर से। घर पे कौन सिखाता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा ये सिखाते तेरे को कि मुंडी तोड़ दूंगा, गर्दन तोड़ दूंगा? है झूठी। सो गाइस, फाइनली द कार हैज अराइव्ड, जो कि हमें जिसका इंतज़ार था। आनू आज गाड़ी को देखते हुए यहीं पे आ गया है। एक तो उसको ये था कि नई गाड़ी आ गया, दूसरा उसको ये था कि कल स्कूल जाना है, तो इसलिए यहाँ से आ गया। यहाँ से पता उसको यहाँ से स्कूल जा नहीं सकती, वो परसों छुट्टी है, तो हमने सोचा चलो कल की छुट्टी करा लेते हैं, फिर दो दिन की उसकी छुट्टी हो जाएगी और वेनसडे को ही उसको भेजेंगे। अभी बन रही है अपनी चाय, ऊपर जाएंगे, रिलैक्स करेंगे मस्त। पूरा हेक्टिक जितना सोचा था मैंने कि आज का दिन जो अब बोरिंग जाएगा अनु के बिना, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आप लोगों से मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हेयर, और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, जय।